गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स 6:30 इन द मॉर्निंग एंड मैंने मॉर्निंग में आते मैंने देखा बाहर एंड अभी सनराइज हो रहा है, मतलब बिल्डिंग्स के बीच में दिख रहा है, पर इतना बड़ा लग रहा है वो बिल्डिंग्स के बीच में, आई जस्ट शो यू। नहा धो के हो चुके मैं ऑलरेडी, ऑल सेट एंड आज हम जा रहे हैं बहुत बहुत स्पेशल जगह एंड मेरी वन ऑफ द फेवरेट जगह है यहीं पे गुड़गांव दिल्ली में ही, बहुत सारी जगह ऐसा नहीं है बट या देखते हैं कहाँ जाते हैं हम। सो आज ईद है और आज एक स्पेशल चीज़ और भी है, आज इंटरनेशनल पेट्स डे है, बल्कि इट इज़ लाइक एवरी डे यार, वो लोग बोल नहीं सकते बट दे डू फील, दे हैव इमोशन, दे शेयर लव, सो इट्स आवर टाइम टू गो बिकॉज मेरा बहुत टाइम से मन आया था, जब से मैंने जॉब शुरू किया था उसको एक दो बार मैंने सोच लिया था, एक दो साल बाद कि यू नो मैं अपना पेट रखूँगी पेट रखूँगी, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, घर पे पॉसिबल है, घर पे हमारा जो जो है हमारे साथ, बट यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, पूरा दिन ऑफिस आने का टाइम नहीं और अकेली रहती हूँ तो यू नो यू कांट कीप देम एंड देन वो उनके तो इमोशंस है ना, उनको तो अपने इमोशंस बाहर निकालना है, देन प्यार देना है, केयर लेनी है। सो अभी एक काम करते हैं, अभी चलते हैं पेट्स कैफे, पेट कैफे जाते हैं और बहुत सारे पेट्स होंगे वहाँ, उनसे मिलते हैं एंड आई एम तो वेरी एक्साइटेड फॉर द डे, चलते हैं। और चलने से पहले मुझे अपना लगेज भी सब कुछ पैक करके रखना होगा बिकॉज आई एम गोइंग टू होम टुडे, यस, एंड मेरे पाँव धोने वाले हो रहे थे तो आज मैंने पता नहीं कितने अरसों बाद ऐसे चपटा चपटा करके कुछ हेयर स्टाइल बनाया, आई डोंट नो व्हाट, बट या दिस इज़ माय लुक फॉर द डे। सुमना को भी बोला है रेडी होने के लिए सुबह, वो आई थिंक उसको मैंने 6 बजे उठा दिया था, मैं तो खुद पूरी रात नहीं सोई, माय आईज आर लाइक ऑल रेड, मैं एक मिनट के लिए भी पूरी रात नहीं सोई, फिर मैं सोई नहीं, फिर मैंने लैपटॉप खोला, फिर कुछ कुछ काम कर रही थी, तो मुझे लग रहा है जब घर जाऊँगी तो आराम से सोते सोते जाऊँगी, वैसे तो मुझे काम करना है, काम भी करना है रास्ते में, ठीक है अब घर जा भी होगा, सोना वोना जो भी होगा, लास्ट मिनट पैकिंग कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, सुमना को कॉल करते हैं एंड लेट्स लीव। आ रही हो ना, तो ऑटो बुक किया है कहीं बाइक आ रही हो, धूम मचा ले। Let's go, buddy. Let's go. Hi. Hi. Are you tired? Are you tired, Ruby? We'll relax for Ruby. Okay. We'll relax. Ruby's tired. सुमना इज अफ्रेड ऑफ डॉग जो थोड़े से बड़े हैं, तो सुमना को स्पेशली लेके जा रहे हैं हम छोटे छोटे डॉगीज के साथ। Hi sweetie, how are you cutie? Hi. Kidal. Sumna, you still afraid? उधर का मुझे समझ में आ रहा था, but इधर का you still afraid? He's such a sweet boy. You're a sweet boy. हाँ जी. Very sweet, sweet. I am all a bobo. क्या कर रहा था जो बच्चे? हाँ. What were you doing? You were missing me. Waiting for me. आलो आपसे कोई बात नहीं कर रहा, नहीं कर लो कोई। हाय गाइस, हाय।
It's fun with them. सुमना पे मारो सुमना पे मारो सुमना पे लाइक बचाओ अगेन बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाते ही रहो बस और कुछ नहीं बस कैफे से निकले ऑफिस से निकले हम मेट्रो की तरफ मेट्रो में पहुंच के एक चीज़ इतनी शांति पूरी मेट्रो खाली लेकिन विद इन मिनट्स भीड़ देख रहे हो आप और ये सिर्फ मेट्रो में नहीं हर जगह कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन एवरीवेयर इट वाज भीड़ 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 एज यूजुअल पहुंच गए हैं हम अपने सेकंड स्टॉप पे विच इज मेट्रो स्टेशन अब जाएंगे यहाँ से चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो लेकिन जब अपने शहर का नाम दिखता है ना तो खुशी बहुत ज़्यादा होती है तो बस यही स्माइल लेके मैं बैठी बस में थोड़ा बहुत अपना लंच किया और सनसेट को बाय बाय किया काफ़ी सारा ऑफिस का काम भी किया करते करते हम पहुँचे इट वाज सो टायरिंग बस पहुँची यमुनानगर एंड मेरे को इतनी नींद आ रही थी साथ में ऑफिस का काम चल रहा था एंड इतनी नींद बिकॉज मैं पूरी रात कल आई हैवंट स्लेप्ट फॉर अ मिनट बिकॉज जब तक मैंने सोने का ट्राई किया तब तक मुझे लगा इवेंट उधर जाना भी है पेट डे के लिए मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग निकलना था तो मुझे लगा आप सोंगी तो उठ नहीं पाऊँगी एंड स्लेप्ट अब मेरे को ऐसे झोंके लग रहा है ना मुझे लग रहा है मैं सोंगी नहीं बस पर मुझे लग रहा है मैं सीधा बेहोश होंगी और किसी को मुझे बस स्टॉप पर उठाना पड़ेगा कि तो पहुँच गई है आई थिंक यमुनानगर पहुँच के एक डेढ़ घंटा 10 बजे तक तो पहुँच जाऊँगी इट्स 8 राइट नाउ 8:30 चलेगी बस लेट्स सी नींद बहुत आ रही है A few moments later. The next morning. So guys, this is next day and पूरा रात इनफैक्ट पूरा दिन मैंने व्लॉग नहीं किया है अभी भी 5 बजने वाले तो मैं व्लॉग कर रही हूँ बिकॉज जब मैं घर पहुँचती हूँ मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ तो मुझे पता लगता है कि ये जो एक छोटी सी बेबी पीछे बैठी है इन्होंने अपने पाँव में इतनी बड़ी इंजरी लगा ली है पिछले 5-6 दिनों से और मुझे कानों कान खबर नहीं डेली बात हो रही है वीडियो कॉल हो रही है बिल्कुल नहीं पता लगने दे रहे हैं कि बेड रेस्ट पे है अभी भी अपने पाँव पीछे करके बैठी है और ना ही मुझे इन्होंने बताया इन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया इन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया और मुझे आके मिले सरप्राइजेस तो बस फिर उसके बाद तो कहाँ बैठे थे बात बात कर रहे थे फिर उसके बाद थक गए थे तो पूरा दिन काम 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 और अब जा रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं पॉइंट आई हूँ बिकॉज आज हमारे मंदिर जाते हैं शिव जी का कल संक्रांति है और ये अप्रैल और जुलाई की संक्रांति बहुत बहुत मेजर है मतलब मैं कहीं पे भी हूँ मैं ये वाली 2 संक्रांति में तो पहुँच ही जाती हूँ मैं स्पेशली सिर्फ इसी के लिए घर आई थी फिर पता लगा कि मम्मी के पाँव में तो पहुंच चुके हैं हम मेरे गांव एंड अभी जा रहे हैं हम मंदिर के लिए सबसे पहले अपने शिव जी के पास जाते हैं अपने मंदिर और पहुंच चुके हैं हम अपने गांव स्नाग आ रहे हो तुम गाइस गाइस चमक रही हैं क्या हम बट कुछ नहीं दिख रहा पूरा अंधेरा ही अंधेरा है पूरे रास्ते में शाम हो गई है आके इतना टाइम हो गया है सबके साथ इतनी देर सबने इतनी बातें की है कि मैं लिटरली भूल गई व्लॉग बनाना सच में और मेरी एक कज़न नहीं आई है उसके लिए तो 100% व्लॉग बनाना था उसने कहा था कि तुम मुझे व्लॉग बनाना और हमने कहा था हम जब खीर पूड़े खाएंगे तो हम वो ज़रूर डालेंगे तेरे लिए क्योंकि उसने कहा था मुझे भी चाहिए हमने कहा हम तो खाएँगे बट मिस हो गए और यहाँ पे हमारे से लाइन में हम लग के नीचे बिछा के सो रहे हैं ये 12 बज चुके हैं हमारे यहाँ मंदिर की रात जागते हैं तो हम ऐसे ही जागते हैं बैठ बैठ के अपने अपने घर से और
और हम कुछ और भी डिस्कस कर रहे थे, बहुत सीरियस डिस्कशंस चल रहे थे जिसका कोई आउटपुट तो फिलहाल नहीं आया, बट हाँ देख लेंगे कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। वो कह रही है 12 बजे, अब हम ना हमारे ना गांव में लकड़ी के घर होते हैं, ये है ओबरा नीचे, तो ये एकदम ठंडा ऐसा लग रहा है, एसी चलाया किसी ने मज़ेदार ठीक है, तो ऊपर है ना लकड़ी है ये ये ये, तो मैं ये भी कर रही हूँ ना तो ऊपर सबको आवाज आ रही है और हम अल्लाह मचा रहे हैं, कहने का ये मतलब है कि चुप हो जाओ, अल्लाह मचा जाओ, सो जाओ। इन्होंने खीर पूड़े खा लिए और ये रात में मुझे सोने नहीं देख, दिखाती हूँ कैसे कैसे लगते खीर पूड़े ज्यादा हो गए ऋषि, ऋषि ने तुम्हें दुआएं दी है रात भर, दुआएं उसकी असर करेंगी तो अपने अपने कलर की बेडशीट डिजाइन में सो जाइए। खुद आई अपनी लिए रजाई ले ली और मेरे को और आपको थी नहीं, फिर मैं ऊपर से ये वाली लेके आई, तब बोल रही बंदी कि हमें दे, तो ये तो बहुत ठंडी है, तो अब क्यों हम आए, बस तू है मेरी असली बहन, ये दोनों तो सतवाल भी नहीं नहीं आ रही, हम तो टुमके लगाएंगे ओए ऊपर है ना सब सुनेगा ठीक है, ये लकड़ी से सब आवाज जाती है और नीचे भी आती है सो जाओ। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इतने टाइम बाद बैठे बातें बातें कर रहे थे, तो एक गेम थी जो सबको खेलनी ही थी, मतलब पता है देखी है कॉमन है बट हम लोगों ने खेली नहीं थी, तो हमने सोचा खेल के देखते हैं, ये लड़की ने होगी आज तक देखी भी नहीं है ठीक है, तो इस पर ट्राई करते हैं, हम लोगों ने देखी हमें पता है रूल्स क्या है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चलो बहुत ईजी है, एक मछली पानी में गई छपा छपा छपा, एक मछली पानी में गई छपैक, दो मछली, दो मछली, एक मछली पानी में गई, पानी में गई जिसको पता ही नहीं है, वो जिसने पहली बार गेम खेली और सोगी वही विनर बन गई, कैमरे में सुंदर लड़की ज्यादा सुंदर दिख गई थी सही में आ रही यार ये जीत गई तो जिसको पता भी नहीं है गेम क्या है, डिसाइड करते तब तक हम नेक्स्ट चीज क्या करने वाले हैं, वैसे भी पूरा दिन व्लॉगिंग तो की नहीं है, तो अभी ये व्लॉगिंग चलेगी, तो हमारी गेट है हिंदी या इंग्लिश तन्नू लेके तन्नू तो तन्नू तो यार ये सब देखा मैंने लड़कियों गेम्स खत्म, सो जाओ, सुबह पता कितनी जल्दी उठ के दो दो मंदिर जाना है वापस, सुन रही हो, सब चुपचाप सो जाओ एंड लाइट कौन बंद करेगा, बाहर का टेम्परेचर एसी का बढ़ गया है, अपने अपने गुदड़ों में घुसो, गुड नाइट, एसी लाइट बंद कर देना, बाय।